हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ड्स माय वे में मैं प्रियम एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज आपसे बात करते एक मीडिया वाले की। लास्ट नाइट मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं मीडिया वालों को फेस नहीं कर पाता, मैं सिचुएशन से कैसे निकलूँ, मुझे इस सिचुएशन से निकालो। मैंने उनसे पूछा कि आखिर मीडिया वाले ने आपसे क्या क्वेश्चन किया, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे बताया सर पॉल्यूशन के बारे में मेरे से बातचीत की गई, तो पॉल्यूशन का एग्जैक्टली आंसर वो नहीं दे पाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे लिए उस टाइम एग्जैक्टली आंसर नहीं था कि मैं मीडिया वालों के लिए क्या रिप्लाई दूँ, उनके लिए क्या कमिटमेंट करूँ। मेरे मतलब माइंड में मुझे एग्जैक्टली मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड एट द टाइम, बहुत कन्फ्यूज हो गया था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मैं उनको रिप्लाई क्या दूँ। तो मेरा मैसेज है प्रदीप के लिए, तो मैं प्रदीप को कहना चाहूँगा कि प्रदीप और आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर मीडिया आपसे क्वेश्चन करती है इतना पोल्यूशन क्यों करते हैं आप लोग, हमारा डेली स्वच्छ होना चाहिए, हमारा डेली प्योर होना चाहिए, ये मीडिया वाले प्योर होने के लिए पब्लिक से क्वेश्चन क्यों करते हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि ये सारा चीज़ एक ही सिलसिले से होता है। मैं मीडिया वालों को एक फ्री में सलाह देना चाहता हूँ कि जो आप लोग क्वेश्चन करते हो वो डायरेक्ट क्वेश्चन जाके गवर्नमेंट से करो। गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें लॉन्च करेगा ही नहीं तो पॉल्यूशन होगा ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें लॉन्च करेगा तो पॉल्यूशन कंपलसरी है, तो ऐसे पॉल्यूशन को कोई नहीं रोक सकता। सरकार ये चीज़ें बंद करे, नो सेलिंग नो पॉल्यूशन। मैं हूँ प्रियम पटेल, आपको एक बार फिर आपके सामने जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।